hello everyone i welcome you all in today's biology class in this class we are dealing with new topic that is lesson number 11 cell structure and microorganisms from 7th standard so in the previous classes i think you have uh, discussed about or learned about the meaning of cell and types of organisms depending on number of cells it consists so there are two types of organisms like unicellular and multicellular organisms so in this uh, class we are going to discuss the cell structure and the microorganisms and uh, the types of cells in detail so uh, first uh, the meaning what is the meaning of cell so, cell is the fundamental, structural, and basic unit of all living organisms. It means that each and every living organism is made up of cell. So, to understand the organization of living organisms, uh, here is the simple example given in the form of a flowchart. So, let us start or complete this uh, flowchart. तो जो वर्ड्स का फॉर्मेशन होता है तो बिफोर फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड्स ये जो यहाँ पे जो बॉक्स है ये बॉक्स एम बॉक्स है सो so यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो वर्ड जो है वो किससे फॉर्म होते हैं वर्ड्स फॉर्म होते हैं लेटर्स से सो द बेसिक और जो भी लेटर्स या जो भी बुक का फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए जो बेसिक थिंग है वो क्या है लेटर्स है तो so, हम अगर अपना खुद का भी एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं तो जब से हमने ये स्टार्ट किया है जो भी अपने स्टडी स्टार्ट की है तो पहले हमने क्या सीखे हैं ट्वेंटी सिक्स अल्फ़ाबेट सीखे हैं क्या सीखे हैं ट्वेंटी सिक्स अल्फ़ाबेट सीखे हैं जिसमें ए टू जेड अल्फ़ाब्स है उसके बाद हमने उससे टू वर्ड्स या थ्री वर्ड्स का टू लेटर वर्ड्स और थ्री लेटर वर्ड्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में पढ़ा है आफ्टर दैट हमने सेंटेंसेस फॉर्म किए हैं स्मॉल सेंटेंसेस उसके बाद सेंटेंसेस से फॉर्म किया हमने आ, जो पैराग्राफ है वो सेंटेंसेस से फॉर्म होगा और आफ्टर दैट पैराग्राफ से चैप्टर बनेगा और चैप्टर से क्या बनता है बुक बनती है तो इसमें अगर बुक को आपको बनाना है तो इसके लिए जो बेसिक है वो क्या है नीड लेटर्स और अल्फाबेट्स से सो वैसे ही जो ह्यूमंस है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है स्पेशली जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है वो मेडम ऑफ मोर देन वन सेल्स है तो उनको हम मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं तो ऐसे मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो कंस्ट्रक्शन होता या होता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल्स है वो हमें क्या करना है स्टडी करना है तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है इनके बॉडी में सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सो इन यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द लाइफ प्रोसेस ट प्लेस बाय ओनली वन सेल सो इसमें हमें ऑर्गन सिस्टम ये प्रेजेंट नहीं होते हैं यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में बट जो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स है इनमें ऑर्गन सिस्टम्स टिश्यूज़ ये प्रेजेंट होते हैं तो सबसे बेसिक क्या है तो सबसे बेसिक यूनिट है सेल

एंड ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो ये बहुत डिटेल में है जो कि आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं बट यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो अगर फॉर्म होता है तो उसे टिश्यू बनेगा ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड ऐसे डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम जो है वो ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिससे क्या बनती है ह्यूमन की बॉडी फॉर्म होती है तो ये क्या ऑर्गेनाइजेशन जो दिया है वो इसमें ह्यूमन का एग्जाम्पल है बट हम यहाँ पर मल्टी सेलर का कौन सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट सेल सो ये जो सेल है जो कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है तो यहाँ पे हम कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखने वाले साइंटिस्ट का जिन्होंने सेल को फाइंड आउट किया है सो so, इन 1965 सिक्सटी फाइव अ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट का नाम क्या है रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व अ थीन सेक्शन ऑफ कार्क अंडर अ माइक्रोस्कोप अभी देखो इन्होंने सेल्फ कंस्ट्रक्टेड माइक्रोस्कोप को यूज किया है ये ये सेल्फ कंस्ट्रक्टेड उनका खुद का माइक्रोस्कोप है अब इस माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप क्या है ये इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंडर हम क्या कर सकते हैं स्मॉलेस्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इन लार्ज होकर हमें ऑब्जर्व हो सकते हैं तो इसके वजह से इनकी जो स्टडी है वो क्या हो सकती है पॉसिबल हो सकती है तो रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व सेक्शन ऑफ अ कार्कॉर्कमीन्स जो ट्री होता है तो ट्री के ऊपर जो बार्क का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या किया है इन्होंने ऑब्जर्व किया है तो इस सेक्शन में इस माइक्रोस्कोप देखो ये जो सेल्स हैं हमारे बॉडी में भी वैरायटी ऑफ सेल्स प्रेजेंट है जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है स्किन के ऊपर जो सेल्स है तो वो सेल्स हमें ऑब्जर्वेबल नहीं है विद अ नेकेड आइज तो उसके लिए हमें क्या लगता है माइक्रोस्कोप लगता है वैसे ही रॉबर्ट हुक ने जब ये ऑब्जर्व किया है सेक्शन थीन uh, सेक्शन जिसका जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कट कह सकते थीन एक पार्ट निकाला है और uh, इसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया है तो इनको क्या ऑब्जर्वेशन मिला है ही सॉ हिग्जागोनल कंपार्टमेंट्स लाइक दोज ऑफ अ बीहाइ तो सब ने हनी कॉम देखा होगा तो बिल्कुल हनी कॉम के जैसा स्ट्रक्चर इनको क्या है देखने के लिए वहाँ पे मिला है तो इसका ऐसे फॉर्मेशन होता है हनी का जो स्ट्रक्चर uh, होता है तो ये ऐसे हिग्जागुनल uh, शेप में क्या करते हैं ये फॉर्म करते हैं तो ऐसा शेप जो है उनको वहाँ पर क्या हुआ है ऑब्जर्व हुआ है तो इसमें ही नेम दोज कम्पारमेंट्स एज अ सेल्स सो दिस टर्म इज़ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेला विच मीन्स स्मॉल रूम सो सेल्स मीन्स लैटिन वर्ड में इसका अगर हम मीनिंग देखते हैं तो ये क्या है ये लैटिन टर्म है और उसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम और कम्पार्टमेंट्स सो Uh, ये हो गई डिस्कवरी है फर्स्ट टाइम इन्होंने सेल ये इसको जो स्ट्रक्चर उनको फाइंड आउट हुआ है हेक्सागोनल शेप में तो उसको इन्होंने नाम दिया है सेल इन नाइन इन एटीन थर्टी एट द टू साइंटिस्ट एम जे एंड थियोडोर शॉन फॉर्मुलेटेड अ थेरी अबाउट सेलुलर स्ट्रक्चर विच स्टेटेड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड द सेल इज़ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटेंस इन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो भी सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो सेल्स जो है वो एक तो फंडामेंटल यूनिट है फंडामेंटल कंपोनेंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एंड ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से फॉर्म हुआ है इन एटीन एटी फाइव रूडॉल्फ वर्चो स्टेटेड दैट ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स तो ये जो सेंटेंस है से देखो ये जो सेंटेंस है इसको अगर आप कंबाइन करते हैं तो ये थ्री सेंटेंस से क्या बनती है सेल थेरी बनती है क्या बनता है सेल थेरी जिस सेल थेरी में ये थ्री पॉइंट्स आपको राइट डाउन करने हैं सो टूडेज होमवर्क इज एक्सप्लेन द सेल थेरी और राइट डाउन द पॉइंट्स ऑफ अ सेल थेरी तो उसमें आप पॉइंट्स क्या लिखेंगे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स नेक्स्ट पॉइंट इज सेल इज द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लास्ट सेंटेंस इज सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इन सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टूडेज होमवर्क नेक्स्ट वन आफ्टर दैट जो हमने माइक्रोस्कोप की बात की है तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है यह जो माइक्रोस्कोप का इमेज है तो ये माइक्रोस्कोप लैबोरेटरीज uh, में यूज़ किया जाता है फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ़ सेल और माइनोट ऑब्जेक्ट्स जो ऑब्जेक्ट्स हमें नेकेडाइज से नहीं दिखाई देते तो उनके ऑब्जर्वेशन के लिए हमें क्या करना है इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करना है सो मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ़ सेल्स तो हम इसके हेल्प से सेल्स को क्या कर सकते ऑब्जर्व कर सकते हैं और सेल का मेजरमेंट ले सकते हैं सो इन नाइनटीन सॉरी इन सिक्सटीन सेवेंटी थ्री एंटोन वैन लिवन होक ये साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वैन लिवन होक असेंबल्ड वेरियस लेंसेज टू कंस्ट्रक्ट अ माइक्रोस्कोप तो ये लेंसेज जो आपने फिजिक्स में ये टर्म पढ़ी होगी तो ऐसे लेंसेज को इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है और जिससे ये इन्होंने क्या किया माइक्रोस्कोप बनाए हैं सो ही वॉज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व लाइव बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोन सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप मतलब ये जो एंटोन वन लिवन हुक है इन्होंने माइक्रोस्कोप फॉर्म करने के बाद इन्होंने फर्स्ट टाइम बैक्टीरियल और प्रोटोजोन सेल्स को क्या किया अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया है तो जैसे कि हमें पता है जितने भी बैक्टीरियल सेल्स हैं तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल सेल जो है वो माइन्यूट होते हैं साइज़ में बहुत स्मॉल होते हैं जिसकी वजह से हम अपने ओपन आइज से नेकेड आइज से उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं तो इसकी वजह से इनको ऑब्जर्व करने के लिए क्या चाहिए माइक्रोस्कोप चाहिए सो सेल्स आर एक्सट्रीमली माइन्यूट इन साइज वो बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं जिसकी वजह से वी कैन नॉट सी सेल्स विद द नेकेड आई सो इनके जो साइज़ है वो अगर हम मेजर करते हैं तो माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर ये ध्यान में रखना है इस वर्ड्स को माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर आर द यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग देयर साइजेस मतलब जैसे कि हम अगर कुछ शॉप में कुछ लेने के लिए ले जाते हैं जैसे कि हम किलोग्राम Uh, ये जो यूनिट है वो यूज़ करता है जैसे कि शुगर अगर आपको लेनी है तो वन किलोग्राम सो ये जो केजी में वेट को हम मेजर करते हैं वैसे सेल्स को अगर हमें मेजरमेंट लेना है तो हम टू यूनिट्स यूज करते हैं माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर ये टू यूनिट्स है फॉर मेजरिंग देयर साइजेस सो द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर ऑब्जर्विंग सेल्स एंड ऑब्जेक्ट ऑन अ ग्लास स्लाइड मैग्नीफाइड मेनी टाइम्स बाई द लेंसेज ऑफ दिस माइक्रोस्कोप यहाँ पे जो भी लेंसेज देखो ऑब्जेक्टिव लेंसेस यहाँ पे दिया है तो ये जो लेंसेस यहाँ पे यूज़ किए हैं उसके हेल्प से क्या किया जाता है उस माइन्यूट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया सकता किया जा सकता है क्योंकि ये जो है ये क्या करता है मैग्नीफाई करता है उस ऑब्जेक्ट को यानी कि उसकी जो साइज़ है वो हमें इंक्रीज इंक्रीज साइज जो है वो दिखाई देती है सो so, माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स तो इसमें लेबलिंग भी दिया है तो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप भी प्रेजेंट है जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो मोस्टली लेबोरेटरी लेवल पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है और अगर हमें सेल के जो ऑर्गन्स है जिसको हम सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं तो उनको अगर ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हमें कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं बट इन जनरल लैबोरेटरी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ किया थ, जाता है ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है अब यहाँ पे देखो वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर्स ये आपको फाइंड आउट करना है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का वन मिलीमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड माइक्रोमीटर्स एंड वन माइक्रोमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड नानोमीटर्स सो so, आप इस मेजरमेंट से आप पता लगा सकते हैं कि नैनोमीटर एंड माइक्रोमीटर आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स बहुत ही स्मॉल साइज के हम सेल्स को क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप सो नेक्स्ट पार्ट इज सेल साइज सो वराइटी ऑफ सेल्स आर प्रजेंट इन बॉडी ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स एंड वी सी और ऑब्जर्व द ग्रेट वेरिएशन इन द शेप्स ऑफ सेल्स सो देअर शेप्स आर मेनली रिलेटेड टू देयर फंक्शंस ये डिपेंड होगा उनके फंक्शंस के ऊपर सो ऑब्जर्व द सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स शो बिलो सो वन एवर अवर स्कूल रिओपन्स वी आर गोइंग टू स्टडी सम सेल्स अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप बट अब यहाँ पर अगर हम देखते तो अमेबा दिस इज द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ये जो है ये सेल यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म की सेल है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है देन हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स देन ये सरफेस के सेल्स है जो आउटर होते हैं यहाँ पे ये इपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये एक सेल है देन मसल सेल बोन सेल है ये स्पम यानी कि ये मेल गैमेट होता है इसकी सेल है ये नर्व सेल यानी कि जो हमारा ब्रेन है या जो हमारी नर्वस सिस्टम है जो भी हमें सेंसेशन होता है जिसके अगेंस्ट हम कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हमने टच किया तो हमें वो सेंस सेंसेशन होता है कि बर्निंग का सेंसेशन जो होता है और हम वहाँ से हाथ जो रिमूव करते हैं तो वो बिकॉज ऑफ नर्व सेल है देन फैट सेल है ये स्पायर वगैरह जो है ये प्लांट uh, में आता है जो कि मल्टी सेल मल्टी में है तो ये कुछ एग्जांपल्स है और इनके अगर आप शेप देखते हैं तो ये डिफरेंट शेप्स के हैं जैसे कि अमीबा का एग्जाम्पल तो इसका शेप जो है वो फिक्स शेप नहीं है क्योंकि इसका जो आउटर कवरिंग है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं ये आउटर कवरिंग है तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फ्लेक्सिबल होता है और उसकी वजह से इसका फिक्स शेप नहीं है देन जो नर्व सेल है ये लॉन्गेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी की सो so, ये डिफरेंट शेप के सेल्स यहाँ पे दिखाए हैं अब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे दो टाइप के सेल्स दिखाए हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल तो प्लांट सेल जो है वो प्लांट सेल और यहाँ पे एनिमल सेल तो अगर इन केस यहाँ पे लेबलिंग्स नहीं है और आपको फाइंड आउट करना है कि ये सेल्स कौन से हैं तो इसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी है तो जो प्लांट सेल है इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वैक्यूअल है इसको हम वैक्ल कहते हैं ये ध्यान में रखिए ये सेल ऑर्गेनली है ये, ये, ये जो वैक्ूअल है ये लार्ज होता है और अगर आप एनिमल सेल देखते हैं तो उसमें वैक्ूअल जो है वो बहुत ही स्मॉल देखिए यहाँ पे ये वैक्यूअल दिखाए तो इसका अगर हम मेजरमेंट या साइज़ देखते तो प्लांट सेल में वैक्यूल कैसा होता है लार्ज होता है सेंटर में प्रेजेंट होता है और ओनली वन वैक्यूल प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल में वैक्यूल स्मॉल साइज के होते हैं और ये नंबर मोर देन वन हो सकता है बट इसके जो साइज़ है बहुत ही स्मॉल होती है और ये सेल के साइटोप्लाज्म में कहाँ पर भी प्रेजेंट हो सकता है तो ये सेल जो है वो अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसको दिखाया है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ किया है इसकी वजह से ये जो सेल ऑर्गेनल्स है वो क्या हो रहे हैं ऑब्जर्वेबल है अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं तो इसमें से बहुत सारे सेल ऑर्गेनल जो है वो हमें ऑब्जर्वेबल नहीं हो सकते हैं सो so, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या प्रजेंट होता है तो देखो मेन डिफरेंस प्लांट एंड एनिमल सेल में ये है कि सेल वॉल जो है वो प्रजेंट होती है प्लांट सेल में बट सेल वॉल इज ऑब्जेंट इन एनिमल सेल सेल वॉल इज प्रजेंट इन प्लांट सेल सेल वॉल क्या है तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है अंदर का अगर आप देखते हैं कवरिंग तो इसके साइड से और एक आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन देखो बहुत इसमें प्रेजेंट है एनिमल सेल में आउटर कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है बट प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर से और एक कवरिंग है जिसको कहते हैं सेल वॉल तो फर्स्ट डिफरेंस जो है वो प्लांट और एनिमल सेल में ये है कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है बट इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एबसेंट आफ्टर दैट प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट अब ये क्लोरोप्लास्ट मीन्स वॉट तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में और इसका रोल क्या है इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड विच इज अल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो प्लांट सेल जो है प्लांट्स फोटोसिंथसिस करते हैं बट एनिमल्स फोटोसिंथसिस नहीं करते तो क्लोरोप्लास्ट प्रजेंट इन प्लांट सेल एंड इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल आफ्टर दैट साइटोप्लाजम साइटोप्लाजम बोथ इसमें प्रेजेंट होगा जैसे कि ये सेमी सॉलिड जेल लाइक मैट्रिक्स होता है जिसमें ये सारे सेल ऑर्गेनिक जो है वो प्रेजेंट होते हैं आफ्टर दैट राइबोसोम्स राइबोसोम्स ये प्रोटीन को फॉर्म करते हैं बोथ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट वन इज लाइजोजोम लाइजोजोम इसको हम कहते हैं सुसाइड बैग्स क्योंकि ये इंजेस्ट करते हैं अपने खुद के सेल को अगर सेल बस्ट होती है तो लाइजोजोम प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं है बट एनिमल सेल्स में ये प्रेजेंट है आफ्टर दैट गोल्जी बॉडीज तो ये गोल्जी बॉडीज बोथ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं इनका जो फंक्शन है वो मॉडिफिकेशन है जो पूरी प्रोटीन सेल्स में फॉर्म होते हैं तो इनका मॉडिफिकेशन होता है गोल्जी बॉडी की हेल्प से आफ्टर दैट न्यूक्लियस बोथ इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है ये बोथ लिविंग सेल्स है तो न्यूक्लियस का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस पेरिफेरल साइड पे है बट एनिमल सेल में ये जो न्यूक्लियस है ये कहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो स्ट्रक्चर है इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं ये बोथ सेल्स में प्रेजेंट है देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आफ्टर दैट वैक्यूअल ये लार्ज वैक्यूल सेंटर में प्रेजेंट है और ये स्मॉल वैक्यूअल देन आफ्टर दैट माइटोकॉन्ट्रियन बोथ सेल में प्रेजेंट होते हैं ये एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो ये प्लांट एंड एनिमल सेल है तो यहाँ पे हमने सिर्फ इन शॉर्ट देख रहे हैं इन डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ईयर आपको ये जो जो भी हमने सेल ऑर्गेनिल्स के नाम लिए वो इन डिटेल आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ईयर स्टडी करने हैं सो so यहाँ पे देखो फोर पार्ट्स दिए मेन फोर पार्ट्स प्लांट एंड एनिमल सेल के कौन से फोर पार्ट्स हैं मेन सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनिल्स सो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल ये मैंने डिफरेंस बताया है आफ्टर दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन ये बोथ मीनिंग सेम ही है दोनों वर्ड्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन एंड इट इज द काइंड ऑफ अ थिंन कवरिंग ये क्या है कवरिंग है इट इज एक्सट्रीमली डेलीकेट एंड फ्लेक्जिबल और अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो ये क्या है आउटर मोस्ट कवरिंग है एनिमल सेल का वैसे जो सेल का साइटोप्लाज्म है तो ये लिक्विड पार्ट होता है विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म और ये बहुत ही ज़्यादा इट ऑक्युपाइज द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस और ये जो सेल ऑर्गेनिज है ये स्कैटर हो गए साइटोप्लाज्म में और सेल ऑर्गेनिल्स जो है वो दिस मेनली इंक्लूड द न्यूक्लियस इंडोप्लाजमिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडीज लाइजोजोम समाइटोकॉन्ड्रिया देन वैक्यूल्स प्लास्टिड्स एक्सेट्रा एंड प्लांट सेल कंटेंट क्लोरोप्लास्ट तो so, ये कुछ मेन पार्ट जो है वो यहाँ पे दिए हैं तो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन राइट डाउन द मेन फोर पार्ट्स ऑफ अ सेल दैट इज सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनिक्स तो ये जो बॉक्स यहाँ पे दिया है तो ये आप राइट डाउन करेंगे क्वेश्चन नंबर टू में सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन